साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें जैविक खेती व टिकाऊ खेती से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल के प्लेटफॉर्म पे। साथियों आज हम बात करेंगे मोल्ड बोर्ड प्लाव टूल की। यह एक प्रकार की जुताई का यंत्र है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की साधन सहकारी समिति पर बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, किराए पर मिल जाता है। इसके द्वारा 1 से 1.5 फीट तक की गहरी जुताई हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 50 सालों से हम लोग आधुनिक खेती व रासायनिक खेती कर रहे हैं और साथ में कुछ ऐसे यंत्रों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो लिमिटेड गहराई पर ही जुताई करते हैं। जैसे रोटावेटर है, यह 3 से 4 इंच तक की ही जुताई कर पाता है। रोटावेटर के इस्तेमाल से और दूसरे जो टूल्स हैं उनके इस्तेमाल से, साथ में जो रासायनिक खाद, खरपतवार नाशी और जहरीले पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी वजह से मिट्टी सख्त होती चली जा रही है। ज़मीन में रहने वाले मित्र जीव, चाहे केंचुआ हो या सूक्ष्म जीव हो, जिनको हम कहते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में 1 अरब से भी ज़्यादा होते हैं, इन सब की मात्रा कम हो रही है। साथ में जो जैविक क्रियाएं होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही हैं। इससे पानी को रोकने की क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती चली जा रही है और ज़मीन की दशा खराब हो रही है। आप जानते हैं कि बहुत सारे किसान सोचते हैं कि हम इस मिट्टी को हटा दें, यानी कि ऊपर की जो मिट्टी है इसको हटवा दें और जिससे कि नीचे की जो मिट्टी है नई हो जाए और वो दोबारा खेती लायक करने लायक हो जाए, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। तो सरकार ने ये मौका दिया है कि यदि हम इन्हें खरीद नहीं सकते इन टूल्स को, तो आप रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाव जो है वो आप साधन सहकारी समिति से किराए पर ले लें और उसको अपने खेत में उससे जुताई करके अपनी मिट्टी को सही कर सकते हैं। इससे जो है गहरी जुताई होगी और ज़मीन की जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, वो आपने भी इस खेत में ये करवाया है। नमस्कार जी। जी तो क्या क्या फ़र्क लगा आपको जो है? अभी पहली बार हमने काम करवाया है, अब इसको थोड़ा धूप लग रही है, हवा लगेगी और उसके बाद इसमें हैरो से जुताई कराएंगे तो जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आएगी, तो जो हार्ड लेयर है उसके टूटने से अभी रिजल्ट ये आ रहे हैं कि अभी हमारे दूसरे किसान साथी ने काम कराया था तो उसका खेत में पोलापन बहुत ज़्यादा आ गया है। अच्छा, कोई ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने पहले ये जुताई करवाई और उसके बाद फिर उनको फसल में क्या इजाफा लगा, क्या अंतर लगा? नहीं, फसल में अच्छी फसल हुई उनकी। एक अच्छा। तरह ये मानो कि खेत का रिनोवेशन हो गया, नया खेत हो गया एकदम। नया खेत हो गया मतलब पैदावार पे फर्क पड़ता है और जमीन का स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी बदल जाती है। जी जी ठीक। तो साथियों आपने देखा कि किसान के अनुभव जो है वो ये बताते हैं कि ये जो इस मशीन से जो
एमडी प्लाव जिसको बोलते हैं, इससे यदि जुताई करेंगे तो हमारे ज़मीन की जो कंडीशन है वो बदल जाएगी। कम से कम जो पिछले 10-15-20 सालों से ऐसी खेती हो रही है उसमें तो कर ही सकते हैं। तो आप भी सोचिए इस बारे में कि क्या कर सकते हैं, इससे जो है कम से कम एक बार खेती का, ज़मीन का रिनोवेशन हो जाएगा और ज़मीन जो है पुरानी नई जैसी हो जाएगी, क्योंकि नीचे की मिट्टी और ऊपर की मिट्टी फिर आपस में मिक्स होकर के, और फिर ये इसमें एक बार जो है हैरो टिलर चलाएंगे, फिर इसको खेत की तैयारी करेंगे। तो साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।